संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सम्मेलन का आगाज हो चुका है जिसकी मेजबानी न्यूयॉर्क कर रहा है। इस साल करीब 104 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष 23 कैबिनेट मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही साथ कुछ मंत्री वर्चुअली भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बार इस सम्मेलन में वैक्सीन बड़ा और विवादित मुद्दा बना हुआ है। बात 15 सितंबर की है जब न्यूयॉर्क के मेयर ऑफिस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक पत्र लिखा जिसमें साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्षों या उनके साथ आने वाले राजनेता हॉल में सभी को एंट्री तभी मिलेगी जब वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। अब कहीं इसका समर्थन तो कहीं इसका विरोध हो रहा है। यूएन महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इसका समर्थन किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों पर ये नियम लागू नहीं किया जा सकता। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने तो वैक्सीन लगवाने से ही इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि न्यूयॉर्क में उनकी पहली रात पिज्जा खाकर गुजरी, क्योंकि बिना वैक्सीनेट हुए विदेशी राजनेता को न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स में भी डिनर करने की अनुमति नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने इसे भेदभाव करार देते हुए कहा है कि वो कानून जो महासभा में हिस्सा लेने से रोकता हो, ऐसा कानून बनाना सरासर गलत है। सोचने वाली बात यह है कि इन सभी राजनेताओं को इस कानून से आखिर दिक्कत क्या है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन का अप्रूवल। दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन लगाई जा रही है। अब इनमें से कई वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें अमेरिका में इमरजेंसी ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। रूस में लोगों को स्पुतनिक वी लगाई जा रही है जिसे न तो अमेरिका में अनुमति है और न ही WHO ने इसे मान्यता दी है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन को भी तमाम देशों में मान्यता नहीं दी गई है। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है वो जानिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आमतौर पर विदेशी राजनेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके अधिकारियों पर उस देश के स्थानीय कानून लागू नहीं होते हैं जिनमें वो मौजूद होते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो बड़ी वजह हैं जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैक्सीन को लेकर बखेड़ा खड़ा हो रहा है। जाते जाते बस आपको एक और जानकारी, इस महासभा में ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो क्वेरोगा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें न्यूयॉर्क में ही आइसोलेट कर दिया गया है। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।